बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 125। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के वीराने में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी के सहारे चल रहे थे। रास्ते में चंद यहूदियों के पास से गुजर हुआ। उन्होंने आपसे कहा, इनसे रूह के मतलब सवाल करो। इनमें से एक ने कहा, तुम इनसे ऐसा सवाल न करो कि जिसके जवाब में वो ऐसी बात कहें कि तुम्हें नागवार गुजरे, ऐसी बात कहें जो तुम्हें नागवार गुजरे। बाद ने कहा, हम तो ज़रूर पूछेंगे। आखिर इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज़ है? आप खामोश रहे। मैंने दिल में कहा, आप पर वही उतर रही है। चुनाचे मैं खड़ा हुआ। जब वही की कैफियत ख़त्म हुई तो आपने यह आयत तलावत की, ऐ पैगंबर, ये लोग आपसे रूह के मतलब पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे मालिक का हुक्म है और इन्हें बहुत कम इल्म अता किया गया है। ये आयत सूरह कहफ की आयत है जिसमें आप को वही नाजल की गई है, ये रूह के बारे में बताया गया कि ये अल्लाह का हुक्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 125। सही बुखारी हदीस नंबर 125 125। सही बुखारी हदीस नंबर 125।